प्यार इस कदर सर पर चढ़कर बोलता है कि किसी की हत्या भी कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच अगर झगड़ा होता है तो लड़का ये समझता है कि लड़की की किसी सहेली ने चढ़ा दिया होगा, या फिर लड़की के लिए अगर देखा जाए तो लड़की सोचती है कि लड़के को जरूर उसके दोस्त ने भड़का दिया होगा। यानी कि हमेशा ये देखा जाता है कि झगड़े की वजह किसी तीसरे को बताया जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसा एक मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर रख दिया कि किस तरीके से याशकी सर चढ़कर बोलती है और खून से किसी के हाथ रंग देती है। 50 सेकंड में हत्या की गई, जमीन पर पटका गया, चाकू से दोस्त के आशिक ने गला रेत दिया। जी हाँ, बेंगलुरु के एक पीजी में उस समय शोर मच गया जब अचानक एक युवक उस पीजी में रह रही लड़की को जबरदस्ती घसीटकर बाहर ले आया और उसका गला रेतने लगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। कर्नाटक के बेंगलुरु से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बेंगलुरु के पीजी में घुसकर एक युवक ने युवती की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। युवक पीजी में घुसा और महिला को कमरे से घसीटकर बाहर निकाल कर लाया। उसने कई बार युवती पर जानलेवा हमला किया। युवती चिल्लाती रही और बार बार उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन युवक ने उसकी एक ना सुनी और हत्या करके मौके से फरार हो गया। युवती की चीख सुनकर पीजी में रह रही लड़कियां सीढ़ी से नीचे आई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की असली वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले तो हत्या की वजह पता लगाने के लिए जब पुलिस ने पीजी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाला युवक, जो कि युवती पर तब तक हमला किया गया जब तक कि वो पूरी तरह से घायल नहीं हो गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को अब मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद जब पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची तो उस वक्त पीजी के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले युवक का नाम अभिषेक है। अभिषेक ने जिस युवती की हत्या की, वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ रहा करते थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर वह काफी तनाव में था। जब पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि आरोपी कृति को ही अपने गर्लफ्रेंड के बीच झगड़े की वजह माना करता था। यानी कि मामला है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उस शख्स जो कि इस केस में आरोपी है, उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था और झगड़े की वजह जिसकी हत्या कर दी गई है उस लड़की को माना गया, जिसके बिहाफ पे यह हत्या की गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। आरोपी वो सहन नहीं कर पाया और गर्लफ्रेंड की दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी को ऐसा लगता था कि कृति के कहने पर ही उसकी प्रेमिका उसके साथ पीजी में रहने के लिए आई, जिस कारण उन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गई और आए दिन झगड़े होने लगे। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके परिवार और दोस्तों के यहाँ छापेमारी की और अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर कृति के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कृति की उम्र 24 साल है, वो बिहार की रहने वाली है। आरोपी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसे जॉब छोड़ दी थी। यानी कि समझिए, इस आशिकी का भूत इस कदर सर पर चढ़ा कि जॉब छोड़ दी गई, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, और अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़े की वजह गर्लफ्रेंड की दोस्त को मानता था, जिसके बिहाफ पर उसका मानसिक संतुलन इतना खराब हो गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त की हत्या कर दी। 24 साल की इस लड़की की हत्या, जो कि बिहार की रहने वाली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर कभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है या गर्लफ्रेंड कुछ ऐसा कर देती है, और अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि अब ना तो गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड, डायरेक्ट बिचौलिए को ही साफ कर दिया गया, यानी कि गर्लफ्रेंड की दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया गया। इस पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।